नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 अगस्त 2019 की हाल ही की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूं। किसान भाई इस वीडियो को ज़रूर देखिए। किसान कर्ज माफ़ी के बारे में ये नई ताज़ा खबर आई है। आखिर क्या बताया जा रहा है कि संकट में किसान 17 लाख आवेदन में से 8 लाख को मिला कर्ज। इधर कर्ज माफ़ी, उधर नाबार्ड का पैसा देने से इनकार। किसान कर्ज माफ़ी के बाद कर्ज वसूली का गणित बिगड़ गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य का अपेक्स बैंक अब ना तो कर्ज चुकाने की स्थिति में है, ना ही नया कर्ज देने की हालत में है। इतना ही नहीं, इस सब के बीच नई आफत आई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने राजस्थान को रिफाइनेंस के नाम पर बजट देने से इनकार कर दिया है। नाबार्ड का तर्क है कि रिफाइनेंस बजट बकाया ऋण के बदले देते हैं। जब राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर चुकी है तो रिफाइनेंस का तर्क ही नहीं बनता कि अपेक्स बैंक ने खरीफ में ऋण बांटने को बजट मांगा था। लेकिन हालत की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ तो मुख्य सचिव बीडी गुप्ता ने पत्र का नाबार्ड में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दोस्तों, किसान कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे किसानों, जान लीजिए कि अपेक्स बैंक को अब ना तो नाबार्ड पैसा दे रहा ना सरकार। अब किसान कर्ज माफ़ी का नाम देखिए, आप इस पर देख सकते हैं, ना तो उनको नाबार्ड पैसा दे रहा ना सरकार। अब किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर माफ़ हुई राशि लौटा रही है। अब बात इतना ही नहीं दोस्तों, ये है पैसे का गणित कि नाबार्ड किसान कर्ज के लिए प्रति वर्ष 40% राशि रिफाइनेंस के रूप में अपेक्स बैंक देता है। यह राशि किसानों को कर्ज वसूली करके पुनः नाबार्ड को लौटा देते हैं। किसान कर्ज माफ़ी के कारण इस बार रिकवरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अपेक्स बैंक को सरकार से लेकर नाबार्ड को लौटाना था पर राज्य सरकार ने राशि नहीं दी और अपेक्स बैंक ने रिफाइनेंस बजट मांगा पर नाबार्ड ने इसके लिए इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं, रिकवरी नहीं होने पर सहकारी डिफाल्टर होने के कगार पर है। जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंक भी अपेक्स बैंक को कर्ज का पुनर्भरण नहीं कर पाए हैं। और इतना ही नहीं, अपेक्स बैंक को करीब 5000 करोड़ रुपये नाबार्ड को लौटाने हैं। ये राशि नाबार्ड ने गत वित्तीय वर्ष रिफाइनेंस में थी और खरीफ में 10000 करोड़ का कर्ज बांटना था, 2200 करोड़ ही बांट पाए। ये है किसानों की कर्ज माफ़ी की सच्चाई और हाल की ताज़ा खबर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और आप अपने महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप किसान कर्ज माफ़ी से कितना संतुष्ट हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।